सो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज गाइस, बहुत सारी न्यूज लेके आऊं आज। कुल मिला के जो हेटर्स है ना उनकी बहुत जलने वाली है, क्योंकि दोस्तों रवि चौधरी जो बोलता है ना वो सच होता है। याद है आपको मेरी दो तीन वीडियो पिछली बार की, देखो आप सारी सिंघम अगेन की। मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर में टीजर आएगा, अफकोर्स आने वाला है। मैंने आपको कहा था अक्टूबर में ट्रेलर आएगा, अफकोर्स आने वाला है। यहां तक कि दोस्तों एक बड़ी अफवाह चल रही थी कि चुलबुल पांडे है या नहीं। वेल दोस्तों ये अफवाह भी सच हो गया। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, भाई साहब दबंग की एंट्री फाइनली कॉप यूनिवर्स में हो चुकी है और सलमान खान मान चुके हैं। जी दोस्तों टीजर और ट्रेलर में देखेंगे चुलबुल पांडे का जलवा। गाइस वीडियो को पूरा देखना। एंड ये एक चीज बता दो भैया, जो लोग ये हेट फैला रहे थे कि सिंघम अगेन जो है डर के भाग चुकी है एंड सिंघम अजय देवगन के अंदर वो एक कैपेसिटी नहीं रही अब कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 से क्लैश कर सके, इतनी पावर नहीं बची, हार मान चुके हैं। सो भैया छपरियो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी प्यार करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों सिंघम अगेन बुक माई शो पे बवाल मचा रही है। सबसे पहले बता दूं भैया बुक माई शो पे 35,000 क्रॉस कर चुकी है एंड वही 33,000 भूल भुलैया 3 क्रॉस कर चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जो कार्तिक आर्यन है उन्होंने अजय देवगन को, रोहित शेट्टी को कन्विंस किया कि भैया 15 नवंबर को दो वीक के बाद इस फिल्म को रिलीज किया जाए। एक नवंबर और 15 नवंबर के बीच दो सप्ताह का डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि दोनों फिल्मों का कलेक्शन हाई हो सके। लेकिन गाइज 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 आपको बता दूं कि मैं सिंघम अगेन की बात कर रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं भाई। सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज होगी। अभी तक जो ये न्यूज चल रही थी और मैं बार बार कह रहा था भाई ये पोस्टपोनमेंट पे बिलीव मत करो, क्योंकि तरण आदर्श ने पिछली बार कंफर्म किया था कि भाई साहब ये जो अफवाह फैला रहे कुछ लोग ताकि सिंघम अगेन की नेगेटिविटी छवि मार्केट में आ जाए और सिंघम अगेन रोहित शेट्टी जो इस फिल्म को रिलीज जो है पोस्टपोनमेंट कर सके, दोस्तों 15 नवंबर को रिलीज कर सके। लेकिन भैया ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा था कि जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए दोस्तों भरोसा मत करना, और ये बात सच्ची निकली। बड़े बड़े मीडिया, बॉलीवुड हंगामा हो, पिंक विला रिपोर्ट हो, आखिरकार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है कि नाउ सिंघम अगेन जो है वो दोस्तों क्लैश हो गई आएगी और मोस्ट लाइकली 1 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर एज ए पेड प्रीव्यू के टाइम पर रिलीज की जाएगी। मतलब कुल मिला के दोनों फिल्में क्लैश हो रही है एंड भाई साहब अब बजेगी बैंड, क्योंकि मजा आएगा भाई। एक तरफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एंड एक तरफ दोस्तों आला रे आला सिंघम। एंड गाइज एक चीज बता दूं, मैंने ये भी कहा था कि 2 अक्टूबर को टीजर आएगा। गाइज वो बात भी सच निकली भैया, 2 अक्टूबर को टीजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों एंड अक्टूबर में ही ट्रेलर आ रहा है। और भरोसा नहीं है तो पिंक पिला की रिपोर्ट पढ़ लो जाकर, नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना, बात एक ही होगी। गाइज अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड सबसे मजे की बात बता दूं मैं, जिसके लिए आज मैं बना रहा हूं ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों सलमान खान की फाइनली कॉप यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है एंड नाउ इट इज कंफर्म्ड बाय पिंक विला रिपोर्ट। पिंक विला अपने रिपोर्ट में साफ साफ बोलते हैं कि भाई साहब जो फैंस लोग एक अफवाह फैला रहे थे, जिस अफवाह में ये न्यूज और एक फोटो काफी ज्यादा लीक हो रही थी सोशल मीडिया पर, जो आपको पता भी है मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि भाई साहब चुलबुल पांडे कॉप यूनिवर्स में एंट्री कर चुके हैं एंड ऑफकोर्स अजय देवगन के साथ चुलबुल पांडे नजर आएंगे एक्शन करते हुए एंड आगे चल के दबंग 4 जो है दोस्तों, दबंग 4 जो है कॉप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी एंड रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में दबंग 4 को लाएंगे एंड दबंग 4 की डायरेक्शंस भी रोहित शेट्टी करेंगे इन फ्यूचर में। गाइस ये बात सच हो रही है एंड यू डोंट बिलीव यार ये कैसे हो रहा है। कभी कभार दोस्तों फैंस लोगों की न्यूज भी है ना, मतलब मार्केट में इतनी सच्ची हो जाती है कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर लोगों को एग्री होना पड़ता है। एंड कुछ लोग तो मुझे अभी बोल रहे थे कि बजरंग मूवी रोहित शेट्टी की नहीं आ रही सनी देओल को लेकर कॉप यूनिवर्स में। गाइस सनी देओल भी कॉप यूनिवर्स में बहुत जल्द दिखेंगे, आपको बिलीव करो। आखिरकार जो अफवाह थी पिंक विला ने भी एक अपना ट्विटर के माध्यम से बोला था कि ये जो लीक्ड फोटो है जिसमें सलमान खान नजर आए थे इससे पहले वो फेक फोटो थी एंड गाइस इस पे भरोसा मत करो। नाउ पिंक विला खुद बोल रहा है कि भाई साहब चुलबुल पांडे की एंट्री हो चुकी है एंड दोस्तों टीजर और ट्रेलर में दिख सकते हैं चुलबुल पांडे। और भाई साहब एक बार फिर से दोस्तों एक तरफ अपना बाजीराव सिंघम आला रे आला, और एक तरफ दोस्तों जहां पे मैं सोच रहा हूं कि अजय देवगन की एक फुल टू फुल मास एंट्री होने वाली है और वही एक स्पेशल कैमियो दिख जाए चुलबुल पांडे का और जिसमें दबंग 4 को हाईलाइट कर दे रोहित शेट्टी। वाव यार दोस्तों क्या ही मजा होने वाला है। और मैं सोचता हूं भाई कि थिएटर में तालियां सीटी इतनी बजेगी भाई। अब आप सोचो भाई क्या होगा कार्तिक आर्यन की फिल्म का, 250 करोड़ कमा लेगी कार्तिक आर्यन की फिल्म, बट एक जो लेवल चाहिए भाई सिंघम अगेन में वो रोहित शेट्टी कोई कमी नहीं छोड़े। दोस्तों क्लाइमेक्स फाड़ शूट किया,
शूटिंग रैप हो चुकी है, नाउ अब पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, पूरा VFX पे काम चल रहा है, और ये पूरा VFX होने के बाद 2 अक्टूबर को टीजर एंड उसके बाद मिड ऑफ अक्टूबर में ट्रेलर गाइज एंड सॉन्ग एंड उसके बाद रोहित शेट्टी कुल मिला के अपनी मार्केटिंग टीम के साथ फुल टू फुल इसकी प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। गाइज आपको बता दूं कि क्लैश होगा और होना भी चाहिए था, जो कि मैं बार बार बोल रहा था रोहित शेट्टी प्लीज इस फिल्म को 15 नवंबर मत रिलीज करना, ये क्लैश होगी तो ही मजा आएगा। एंड गाइज आई एम सो एक्साइटेड कि यार कभी कभार हम फैंस लोग कुछ भी डालते हैं और साला वो सच हो जाता है, एंड दिस इज अनबिलीवेबल कि चुलबुल पांडे है गाइज। कॉप यूनिवर्स के अंदर अब सलमान खान भी आ गए तो सनी देओल नहीं आ सकते, ऑफकोर्स आ सकते हैं गाइज, एंड वी फैंस लोग रियली एक्साइटेड। सो भाइयों पिंक विला ने अब कंफर्म कर दिया है और अब देखना बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि ये जो एक्शन सीन्स होने वाला है जिसमें चुलबुल पांडे एक्शन करते हुए नजर आएंगे एक अलग ही स्वैग में। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि सलमान खान ने अभी तो कोई फीस का जिक्र नहीं किया। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार कैमियो में सलमान खान ने कितना फीस लिया, तो गाइस सॉरी सलमान खान ने अभी तक फीस नहीं लिया हुआ है। मे बी हो सकता है कि वो फीस ना भी ले, जो ऐसा खबर आ रही है, क्योंकि वो दिलवाले हैं दोस्तों और बॉलीवुड के दबंग है हमारे सलमान भाई, जो कि सिकंदर मूवी आ रही है 2025 ईद में और बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी भाई। वी फुल सपोर्ट टू सलमान खान फैंस एंड सलमान खान, एंड गाइज सो एक्साइटेड टू सी द सलमान खान इन द मूवी गाइज एज चुलबुल पांडे। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि ये फिल्म जो है दबंग, ये जो फिल्म है दोस्तों दबंग 4 तो आई थी, जो फिल्म है 16 सितंबर 2023 को इसका स्टार्टिंग हुआ था प्री प्रोडक्शन, एंड नाउ 157 डेज हैज बीन कंप्लीटेड दोस्तों, मुंबई में शूटिंग चल रहा है। एंड इस फिल्म के जरिए रामायण के रेफरेंस पर ये पूरी की पूरी स्टोरी आधारित है बाजीराव, एंड रोहित शेट्टी ने इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि भैया इस फिल्म का हीरो सिर्फ एक ही है, आपको मल्टीपल स्टार दिखेंगे, आपको मल्टीपल कैमियोज दिखेंगे, बट स्टोरी जो है वो घूमेगी बाजीराव सिंघम के इर्द गिर्द घूमेगी। गाइज आपको बता दूं कि सिंघम अगेन में अजय देवगन ही हीरो है, एंड कितना भी कर लो भाई, कितना भी ये हेड फैला रहे ना कुछ अपने लोग की नहीं अजय देवगन का ही कैमियो बाकी सब सुपरस्टार है, तो भाई बिलीव करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अजय देवगन की फिल्म है। एंड भाई साहब सलमान खान की एंट्री से क्या लगता है अब ये 1000 करोड़ कन्फर्म कर पाएगी, क्या लगता है दबंग 4 रोहित शेट्टी इसको डायरेक्ट कर पाएंगे, क्या लगता है कि सिंघम अगेन में, तो एक सोर्सेज मैंने ये भी देखा था कि सिंघम अगेन में सनी देओल भी नजर आ सकते हैं, जो कि मैंने पढ़ा था कहीं, बट इट्स नॉट ट्रू गाइज, बट मे बी इन फ्यूचर ऑफकोर्स सनी देओल की एक स्पिन ऑफ मूवी रोहित शेट्टी जरूर डायरेक्ट कर सकते हैं एज ए कॉप यूनिवर्स। सो गाइस सिंघम अगेन को लेकर धमाकेदार खबर आपको देता रहूंगा, और बने रहिए, लाइक कमेंट कीजिए, और दोस्तों कैसे लगी अपडेट आपको, और आज रात 9 बजे लाइव मिलूंगा, प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करो, अजय देओल फैंस असेंबल यार, भाई साहब बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ टारगेट है दोस्तों, फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच।